हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सी वी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरत से होंगे। अभी हम यहाँ घर पे ही है। अभी पिछला व्लॉग एंड किया, अब नए व्लॉग की शुरुआत यहाँ से हो रही है। हम सुदमा देव जाएंगे तो फूल कितने खूबसूरत है, कुछ ऐसा व्यू है, कल भी दिखाया था आपको। देखिए साकी बाजार, इनका भी चैनल है, ये भी व्लॉगिंग करते हैं। और ये सना प्यारी, ओ प्यारी प्यारी जी, तो चलेंगे अब हम और दिखाएंगे आपको आगे कहीं। गाइज आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है मंजर यहाँ का बस्ट का। ये देखिए कितना खूबसूरत सामने शिवगढ़, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे लोंडे आग जलाए हैं, तो यहाँ पे कुछ डाला है आग में, पता है मच्छिया है शायद, आई थिंक फिश है, भून रहे हैं, सिल्वर फॉइल में डाली है। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। Oh beautiful, beauty, beauty, beauty. How beautiful is this place? आप देख सकते हैं सामने बादल, कैसे बीच में बादल हैं बीच में नहीं, खूबसूरत। और फॉग जो बादल नीचे पहाड़ों से नीचे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। कमाल की जगह है, कमाल की जगह, और कमाल का व्यू, कमाल का मौसम, सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पे, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत। गाइस नेक्स्ट डे है, आज फ्राइडे है, हम चनैनी में हैं, बस्ट में हैं। तो कल जो हम सुबह कह रहे थे हम सुदमा देव जाएंगे, तो सुदमा देव हम गए नहीं कल, तो घर पे ही था, कुछ काम आ गया था तो कल घर में ही थे। अभी आए हैं यहाँ पे थोड़ा आबिद भाई के ज़मीन में आ गया था नज़र माने, ये देखिए चश्मा, चश्मे का पानी। और हाँ, गाय जो आबिद भाई की है, आबिद भाई वालों की गाय है, उसके लिए हम ये पत्ते शत्ते काट के ले जा रहे हैं अभी। तो फिर करें आप भी एंजॉय व्लॉग को, देखिए आज मौसम भी बहुत ही सुहाना है, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए तो ये है चश्मा, यहाँ पानी निकलता है, फूल लगाए आगे आबिद भाई वालों ने, ये देखिए ब्यूटीफुल। तो ये वाला जो फिग का पेड़ है वो काटेंगे, गुरु हो जा शुरू। सेरा साटने देखना, उल्टा पुल्टा काट रहे हैं, कलम बननी चाहिए, ये अगले साल फिर उगते हैं। फिर काट दिया, वो गाइस बैठे हैं अभी हम, ये देखिए सामने गंडोले, जो केबल कार होती है गंडोले, वहां से निकलते हैं और जाते हैं सीधे डायरेक्ट पटनी टॉप, केबल कार जो लगी है वहां से। अभी हल्की हल्की बारिश भी होने को आई, तो हम जल्दी से निपटा देंगे, इतने सारे काट दिए मैंने थोड़े बहुत, अब और काटेंगे तो फिर चलेंगे। इसलिए अब पूरा ख़त्म कर दिया अबिद भाई ने, काम करो नाम करो, वन लाइफ बेबी। कोयता लेके चढ़ गया ऊपर, कूल। चले फिर, ये आप मेहनत, दूध ऐसे ही नहीं बनता है, जब गाय को कुछ खाना होगा तभी वो दूध भी देती है, इसलिए कहते हैं नाम करो या काम करो नाम करो। तो देखिए इतना बड़ा ढेर पत्तू का बेले जाना है, गाय को खिलाना है, तो खूबसूरत है ऐसे मौसम में और ऐसी जगह पे काम करने का ना अपना ही मज़ा होता है, देख ले आप। देखिए टाई कर रहे हैं आबिद भाई,
ये देख ले अखरोट का पेड़ है सामने, यहाँ से आबिद भाई अखरोट तोड़ के लाएंगे। तो अभी ये नीले है, कच्चे है, मानो कच्चे भी नहीं है, अंदर से तैयार है पर नीले है अभी। इनका जो छिलका होता है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो हम इनको तराश के खाएंगे, दिखाएंगे आपको कैसे तराश के कैसे खाते। तो ये ले आए अखरोट, यस, तो अभी खाएंगे, जेब भर के लाया। ये देखिए अभी कच्ची है, बहुत ही तेज खोलना है अखरोट को, ये ऐसे खुल जाता है अखरोट बीच में से। तो फिर अब देखना इसको तराशना कैसे, आराम से छोटे बच्चों के हाथ ना दे मेहरबानी करके, जो मैच्योर है वही लोग इसे इस्तेमाल करे, ऐसे तराशे, तो छोटे बच्चों से दूर रखे इस चाकू वाकू को। तो ऐसे फिर इनको खाया जाता है, मज़ा आता है, हम भी खाएंगे। ये देखे निकाल चुका हूँ पहले। इस उम्मीद है यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया, पसंद किया होगा, लाइक कर देना, शेयर और कमेंट। आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं जा रहा हूँ घर रामबन। तो ये देख ले नीचे अब कितना खूबसूरत है, वीडियो को लाइक कर देना।